आज मैं हवादार और धूप युक्त यानी सूर्य की किरणें युक्त मकान के फायदे बताता हूँ। क्योंकि आप मकान बनाएं कम से कम 3 जंगले तो ज़रूर छोड़ें, बल्कि 4 हों तो बहुत अच्छा है। जंगले कम से कम 4 फुट तो होने चाहिए, तो हो 4 ना तो 3, 2.5, 3 के तो होने चाहिए। उससे क्या है कि आपकी सूर्य की किरणें आपके मकान के अंदर प्रभावित होंगी, उसके प्रभाव से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। नंबर 2, हवा भी स्वच्छ आएगी, स्वच्छ हवा से भी अनेक बीमारियां दूर होती हैं। और नीचे कच्चा रख सकें तो बहुत ही अच्छा है, कच्चा नहीं रखें तो फर्श युक्त भी रख सकते हैं, लेकिन अधिक पत्थर वगैरह ना लगाएं, क्योंकि प्राकृतिक प्रभाव कुछ कम हो जाता है। और छत जो आपके लेंटर या ग्वाटर युक्त भी है तो उस पर मिट्टी बिछवा कर टाइल्स बिछवा दें, उसका भी प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छत जो है आपकी गर्मी में ठंडी रहेगी और बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और चारों ओर हवादार वृक्ष लगाएं, वृक्ष नहीं है तो छोटे छोटे पौधे लगा दें सुंदर सुंदर, उसका भी विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे तुलसी है आपके, तुलसी का बहुत अच्छा प्रभाव है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। और मैंने इस बात का सर्वे कराया कि जितनी घुटनशील मकान हैं उतनी ही ज़्यादा बीमारियां हैं, और अनेक बीमारियों को ये दूर करता है। और मेरे इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ मेरा चैनल बालमुकुंद ग्रुप ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।